तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे गिनी कॉफिशियंट के बारे में। तो बच्चों, जो गिनी कॉफिशियंट है वो इनइक्वलिटी को मेजर करने का एक तरीका है, और इस जो इनकम की जो इनइक्वलिटी को मेजर करने के इस तरीकों को हम गिनी कॉफिशियंट कहते हैं। तो इसका जो मेथड है, इसको एक इटालियन स्टैटिस्टिशियन थे जी गिनी, उन्होंने इसको फॉर्मुलेट किया, उनको पाया जो 1912 में, और उसके बेस पर उन्होंने एक जो इनइक्वलिटी है उसको मेजर करते हैं। तो इसको हम लॉरेंज कर्व के थ्रू ही उन्होंने यूज़ किया। तो बच्चों, लॉरेंज कर्व जो है वो ये तो बताता है कि इनइक्वलिटी कितनी है, इनइक्वलिटी किस देश में है या किस एरिया में नहीं है, लेकिन कितनी है उसका कॉफिशियंट क्या है वो बताने का काम लॉरेंज कर्व नहीं करता। यानी कि मैं आपको एक बार फिर से लॉरेंज कर्व बना देता हूं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा है, जो बिल्कुल हम एक लाइन ले रहे हैं जिसको कि हम बोल रहे हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन तो है हमारे पास में। इसके अलावा लॉरेंज कर्व क्या होता है, जैसे आप जानते होंगे, एक डिफरेंस हम बना लेते हैं, ठीक है, एक ऐसे अंदाजे से हमने बना लिया है। तो ये जो है जिसको कि हम एरिया बोल देते हैं, ग्रीन एरिया में शेड कर देते हैं, तो ये इनइक्वलिटी को बता रहा है। लेकिन ये इनइक्वलिटी कितनी है, इसका कॉफिशियंट क्या है, इसके बारे में जानकारी ये नहीं देता। तो इसको पता करने का एक तरीका निकाला, जो कि निकाला जी गिनी ने 1912 में। तो उन्होंने जो फॉर्मूला यूज किया वो फॉर्मूला क्या था, एक बार आप यहां देख लीजिए। गिनी कॉफिशियंट का फॉर्मूला है एरिया बिटवीन इक्वल लाइन एंड लॉरेंज कर्व। यानी कि ये जो एरिया है, बिटवीन का मतलब है एरिया बिटवीन लॉरेंज कर्व ये वाला है जो ग्रीन से शेडेड है, और ये जो है इक्वल लाइन है जिसको कि हमने ए कहा हुआ है। ओके बच्चों, तो यहां पर चलिए हम यहां पर आपकी सुविधा के लिए इसको ए बोल देते हैं, जो एरिया है ए। और इसके अलावा जो टोटल एरिया है अंडर दी इक्वलिटी लाइन, यानी कि इक्वलिटी लाइन के अंडर का एरिया ए है, और जो शेड नहीं है उसको हम बी बोल देते हैं। तो जो एरिया ए प्लस बी है वो हमारा टोटल हो गया। तो इस तरीके से हम क्या पता कर सकते हैं, हम अपना जो कॉफिशियंट है उसकी जानकारी पता कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, यानी कि उन्होंने लॉरेंज कर्व का ही यूज किया गिनी कॉफिशियंट निकालने के लिए, और उन्होंने बताया कि जो शेडेड एरिया है उसको हम अगर टोटल एरिया से डिवाइड कर दें, ये नहीं कि टोटल एरिया का मतलब यहाँ पे है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से नीचे वाला एरिया, उससे डिवाइड कर दें, तो हम बहुत ही आसानी से गिनी कॉफिशियंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। आपको ये याद रखना है कि जो गिनी कॉफिशियंट है उसकी वैल्यू हमेशा जीरो और एक के बीच में रहती है। अगर जीरो है तो जीरो का मतलब है कंप्लीट इक्वलिटी है। तो अगर जीरो कब होगा, जीरो तब होगा जब कोई भी जो लॉरेंज कर्व है वो बिल्कुल इस लाइन के ऊपर बनेगा, ठीक है। जब लाइन के ऊपर बनेगा इसका मतलब इसकी वैल्यू जीरो हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए इस ए की वैल्यू जीरो हो गई, ये तब है जब लाइन के ऊपर होगा, और जीरो प्लस मान लीजिए इसकी वैल्यू दस है, तो डेफिनेटली जीरो ही आंसर आएगा, ठीक है ना। वो बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। इसी तरीके से इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो एक होती है। तो एक कब होती है, जब ये पूरा का पूरा लाइन जो है इसी पर लॉरेंज कर्व बनेगा। तो जैसे कि हम जानते हैं नॉर्मली जो है वो ना तो इसकी वैल्यू जीरो होती है ना एक होती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, एक से हमेशा कम होती है और जीरो से हमेशा ज्यादा होती है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर 0.5 से 0.7 के बीच में, तो ये हाई इनइक्वलिटी को दिखाता है। 0.2 से 0.35 के बीच में, तो लो इनइक्वलिटी को दिखाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड गिनी कॉफिशियंट की, 2013 का जो डाटा है मैंने नेट से निकाला है, वो 0.65 है। इसके अलावा द गिनी कॉफिशियंट इन इंडिया वेंट अप फ्रॉम 0.43 था 1956 में, जो कि 2004-2005 बढ़कर 0.45 हो गया। इसका मतलब इसके हिसाब से, गिनी कॉफिशियंट के हिसाब से इंडिया में जो इनइक्वलिटी है वो बढ़ी है। बच्चों यहां पे मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, अगर मान लीजिए जो गिनी कॉफिशियंट है वो 0.45 है या 45% है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इनइक्वलिटी 45% है इंडिया में। ये केवल एक कॉफिशियंट को दिखाता है, इनइक्वलिटी का प्रपोर्शन को नहीं दिखाता। तो बच्चों ये काफ़ी यूज़ किया जाता है मेथड। इसके अलावा और भी मेथड है जो इनइक्वलिटी को मेजर करने में यूज़ होते हैं, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही करा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको गिनी कॉफिशियंट का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।